बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या हो टॉलीवुड, यहाँ जनाब हीरोज कभी बुढ़े नहीं होते। लेकिन जहाँ हीरोइनों ने 30 क्रॉस किया यानी 30 के पार हुई, लोग उन्हें बुढ़ी कहने लगते हैं और ये कहते हैं कि भाई शादी कब कर रही हो। और आपको बता दें कि आज हम एक ऐसी ही रिपोर्ट लाए हैं जहां आपको हम बताएंगे कि भोजपुरी की आधे से अधिक हीरोइनें 30 पार कर चुकी हैं और अभी तक शादी के बंधन में बंधी नहीं हैं, और ऐसे देख के लगता है कि शायद आगे बंधना भी नहीं चाहती। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुभी शर्मा से। जी हाँ, शुभी शर्मा का जन्म 27 मार्च 1986 में जयपुर में हुआ था। और वैसे देखा जाए तो शुभी शर्मा अब हो चुकी हैं 34 ईयर की, यानी कि 30 पार कर चुकी हैं। और रही बात इनके शादी की, तो भाई दूर दूर तक इनके शादी की कोई खबर नहीं आती है। और जब भी इनसे शादी के बारे में पूछा जाता है तो नो कमेंट, या फिर ये कहती हैं जिस दिन उन्हें सपनों का राजकुमार मिल जाएगा वो शादी ज़रूर कर लेंगी। अब पढ़ते हैं भाई आम्रपाली दुबे की तरफ। आम्रपाली दुबे का जन्म 11 जनवरी 1987 में हुआ था। इस हिसाब से वो 33 साल की हो चुकी हैं इस साल। और आम्रपाली दुबे भाई हमेशा यही कहती हैं कि वो सिंगल ही बेटर हैं शादी के क्वेश्चन पे, तो भाई क्वेश्चन मार्क उनके चेहरे पे आप साफ देख सकते हैं। वैसे 30 पार आम्रपाली दुबे ने अपने आप को अभी फिट एंड फाइन कर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि इनके अफेयर्स की खबरें निरहुआ के साथ हमेशा आती रहती हैं। जब से इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे ने कदम रखा है, इनके अफेयर्स की खबर हमेशा से निरहुआ के साथ ही आई है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं अंजना सिंह की तरफ। जी हाँ, अंजना सिंह की बात करें तो उनका जन्म 7 अगस्त 1989 में हुआ था। इस हिसाब से अंजना 30 साल की हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अंजना की शादी यश मिश्रा से हुई है। यश मिश्रा भोजपुरी के बड़े ही जाने माने एक्शन हीरो हैं और इन दोनों से इनकी एक बेटी है अदिति। वैसे आपको जाते जाते ये खबर भी दे दें कि अंजना और यश सेपरेट रहते हैं, यानी कि दोनों अलग रहते हैं। अब बात करते हैं काजल राघवानी की। जी हाँ, काजल राघवानी इस साल 30 पार कर जाएंगी क्योंकि वो 20 जुलाई 1990 की हैं। आपको बता दें कि काजल राघवानी को भोजपुरी का सबसे प्रोमिनेंट फेस कहा जाता है। काजल राघवानी का नाम अब तक खेसारी लाल यादव से जुड़ चुका है, लेकिन जब भी इनसे शादी की बात की जाती है तो उन्होंने कहा है कि जब भी उनकी मम्मी को उनके लिए सुटेबल लड़का मिल जाएगा उस दिन वो शादी जरूर कर लेंगे, यानी कि काजल राघवानी अरेंज मैरिज करेंगी। वैसे भी एक इंटरव्यू में जब उनकी मम्मी से ये क्वेश्चन किया गया था कि क्या काजल राघवानी इन फ्यूचर किसी बिहारी लड़की से शादी करेंगी, तब काजल राघवानी की मम्मी ने कहा था बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं चाहती कि काजल राघवानी की शादी किसी बिहारी लड़के से हो। खैर, अपना अपना ओपिनियन है। और आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देते हैं पाखी हेगड़े के बारे में। वैसे पाखी हेगड़े जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी तभी वो शादीशुदा थी और उनकी 2 बेटियां थी। आज पाखी हेगड़े भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जल्द ही वो भोजपुरी इंडस्ट्री में नज़र आ सकती हैं। जी हाँ, पाखी हेगड़े की अगर उम्र की बात करें तो 5 मार्च 1981 की है पाखी हेगड़े, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 39 ईयर की हो चुकी हैं पाखी हेगड़े और पाखी की 2 खूबसूरत बेटियां भी हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे छोटा है इन दिनों और जिसका करियर अभी कम से कम 10 से 12 साल तक तो चल ही सकता है, लोग उसे बुढ़ी ना कहें, तो वो कोई और नहीं, अक्षरा सिंह है। जी हाँ, अक्षरा सिंह का जन्म 30 अगस्त 1993 में हुआ था। और आपको बता दें कि उस हिसाब से अक्षरा सिंह इस साल 27 साल की हो जाएंगी। लेकिन भाई इन सब हीरोइनों को अगर एक
तरफ दरकिनार भी कर दिया जाए तो रानी चटर्जी भोजपुरी की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि न जाने रानी शादी कब करेंगे, क्योंकि अब तो उनकी उस तरह से फिल्में भी नहीं आ रही हैं और अब रानी चटर्जी की फ़ैन फॉलोइंग भी पहले के हिसाब से नहीं रह गई है, रानी चटर्जी के पास काम भी उस हिसाब का नहीं। तो भाई सब ये जानना चाहते हैं रानी चटर्जी शादी कब करेंगे, तो भाई ये तो हम सभी भी जानना चाहते हैं, जैसी ऐसी कोई खबर आएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि रानी अपनी बर्थ डेट बताती हैं 30 नवंबर 1989, जिस हिसाब से वो अभी 30 साल की ही हैं। तो भाई अभी तो रानी सिर्फ 30 साल की हैं, उनसे भी कई बड़ी हीरोइनें भोजपुरी इंडस्ट्री में पड़ी हुई हैं और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। मधु शर्मा भी इसी लिस्ट में हैं, उन्होंने भी 30 क्रॉस कर लिया है लेकिन उनके शादी की खबरें नहीं उड़ती हैं। वहीं रानी चटर्जी के शादी की खबरों को लगातार तूल मिलती रहती है, जिसकी वजह से रानी काफ़ी खफा भी हो जाती हैं मीडिया से और अपने फैंस से। तो भाई रानी हम आपको बता दें कि मीडिया और फैंस आपको इतना प्यार करती हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है हर चीज़ जानना चाहते हैं। तो ये थी हमारी ये रिपोर्ट जहां लोग ये कह रहे हैं कि भोजपुरी की हीरोइनें बुढ़ी की हो रही हैं, बुढ़ी की होती जा रही हैं, कब शादी करेंगी फलाना ढिमाका। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो रिपोर्ट को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।